Well, frankly, I like him. इश्क है वो आतिश गालिब जो जलाए ना जले। अब कैरम बोर्ड तो सबको आता है, बिना कवर लिए कोई क्वीन नहीं ले सकता, लेकिन जो बिना कवर लिए मुस्कान के साथ क्वीन को ले ले उसे स्ट्राइकर कहते हैं। ये है जय, लीड है, बहुत पकाऊ और टेक्निकल है यार। एक एडिशनल क्वालिटी भी है, सबसे ज्यादा ज्ञान बांटू है। बे नया फोन 30,000, क्या बात है, क्या सुपर फोन है पता है क्या। 12 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, इंटरनल मेमोरी 64। वो आता है मेरी पुरानी कंपनी में थी, तो तू ये देखना मिलवाया ऐसे। कोई दोस्त नहीं है मेरी, पुरानी कंपनी में थी इसलिए जानता हूँ। तो तू ये फीचर्स देख, इसको पता है पूरा दिन ये चलाया तो भी उसका। ऑरेंज से मिली है, इस नई एंट्री का नाम है मौसम। इस बेचारी की जिंदगी में एक ही समस्या है, ये हमारी दोस्त है। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, और स्ट्राइकर ये अच्छे से जानता था ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक से ही दोस्ती आगे बढ़ती है। लेकिन बेचारा एक बात भूल गया कि अदा पे फिदा होने वालों की फहरिस्त में एक नाम और भी था। प्यार से लोग हमें टाइगर बुलाते हैं। हमारे पेरेंट्स को फिल्मों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने हमारा नाम शम्मी कपूर रखा। वो कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने, दोस्त का दोस्त अपना दोस्त होता है। इसी बीच मुझ में और स्ट्राइकर में भी वही शर्त लगी जो मुझसे शादी करोगी में सलमान और अक्षय कुमार में लगी थी, कि पूरी दुनिया के सामने मैं अपने प्यार का इजहार रानी से करूंगा। और मैं भी अपने इंदौर के बाप की कसम खा के बोलता हूँ कि रानी को दुल्हन बना के मैं इस घर में लेके आऊंगा। तो दोस्तों, ये रहा पैंतरा नंबर एक। तशन में चल के जाओ लड़की के पास और जाके एक आसान सा सवाल पूछो। वैसे तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान। बस अब उस एक्टर की इतनी बुराई करो कि लड़की सब छोड़ के तुमसे लड़ने लग जाए। दो कौड़ी का एक्टर है, हकलाने को ऐसे हाथ फैलाने को एक्टिंग नहीं बोलती। एक्सक्यूज मी, बेस्ट रोमांटिक एक्टर है, लड़कियां मत की उस पर। अब भी ये लड़की ना तारीफ पे तारीफ करेगी उसकी, लेकिन शाहरुख भैया को कितने लाइक्स मिल रहे इससे अपने को क्या। अपना एक ही मकसद है बॉस, दोस्ती गहरानी चाहिए। नेक्स्ट टाइम बोलना भी मत। शक्ल देखिए उसकी, कभी खुद की शक्ल देखी है आईने में? केआर के भी तुमसे अच्छा दिखता है। वैसे मैडम, जिनकी शक्लें अच्छी नहीं होती ना, उनका अंदाज देखा जाता है। Please kill me! हसी, हसी, हसी। तो दोस्तों, ये है पैंतरा नंबर दो, और ये इतना खतरनाक पैंतरा है कि इसके आगे दुश्मन के सारे वार फेल हो जाते हैं। ये क्या कर रहा है बे?
टाइम बर्बाद मत कर, काम पर ध्यान दे। अरे यार, जब देखो इसको मोहब्बते का नारायण शंकर बनने की पड़ी रहती है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। तो सुन रहा है ना? क्या हुआ? पूरी कंपनी को दिख रहा है कि तू आदा के पीछे पागल हो रहा है। चिल रे, नथिंग सीरियस। यू आर स्पॉइलिंग योर वर्क एंड इमेज, और वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो शायद पहले से कमिटेड हो। नहीं है। तुझे कैसे पता बे? बिना मीटिंग के अगर लड़की मीटिंग रूम में हो तो इसके दो मतलब होते हैं। या तो वो इंटरव्यू दे रही है, या वो अपने से बात कर रही है। मैंने अदा को कभी मीटिंग रूम में नहीं देखा। ये मीटिंग रूम जरूरी नहीं है, कॉरिडोर हो सकता है, स्टेयर्स हो सकता है, वॉशरूम। अदा वॉशरूम में फोन पे बात करती है। जा रहे? अरे बता ना कौन सा PHI डेटा मांग लिया मैंने तेरे से। क्या पका रहा है तू? हट, चल अब। पर कुछ लोग है ना, अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट भी रखते हैं। अगर हुआ तो रूम भी अरे स्टेडियम देख देख के बड़े हुए हैं। अरे यार, फिर इसके कोई स्मार्ट सेशन शुरू हो गए। चलो आपको पैंथर नंबर 3 दिखाते हैं। अपने दुश्मन का रास्ता काटो, और अगर वो आपका दोस्त है फिर तो दिल खोल के काटो, लेकिन ऐसे ही मजाक मजाक में कभी कभी कुछ हो जाता है, दिल थक करके रह जाता है, लिरिक्स के मतलब समझ में आने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये सारे गाने शान और सोनू निगम मेरे लिए गा रहे हैं। उससे बात करने का मन करता है, कुछ भी, ऐ भोकट की बकर। डिनर करती हो? हाँ बिल्कुल। मैं भी, कभी साथ में करते ना? आई थॉट यू कमिटेड। मैं कोई कोड हो जो कमिट हो जाऊंगा। आर यू ट्राइंग टू प्रपोज अदा राजपूत फॉर अ डेट? यू रियली थिंक यू डिजर्व मी? क्यों, तुम्हें नहीं लगा? नहीं। अच्छा, ये तुम्हारे डिजर्विंग के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया? कभी बंदूक चलाई है? नहीं, मैं कोई आतंकवादी थोड़ी हूँ। अच्छा, तो तुम्हें एक्टिंग करनी बहुत आती है ना? चल लड़की की एक्टिंग करके बताओ। हैप्पी? हाँ। यहाँ? हाँ। जिस दिन ये सब कर पाएगा ना, उस दिन आना सीना तान के अदा राजपूत के पास डेट के लिए। जो भी हो, बाद में तो कपूरी होने वाली ना। What? I'm joking. कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन फीलिंग्स किसी से छुपती नहीं। जैसे खाली स्क्रीन को निहारते निहारते खो जाना इश्क के बुखार का पहला लक्षण होता है। आज कॉफी नहीं पी ना? हाँ चलो चलो। ए भाई, तेरे को काम खत्म करना है, अर्जेंट हो। ओ भाई, वो पहले काम खत्म करना है यार। चल पर कॉफी, दो मिनट में। तू टेंशन मत, तेरे लिए ना कॉफी मैं बनाऊंगा, उसमें शक्कर ना मैं डालूंगा, यहाँ तक कॉफी लेके मैं आऊंगा। तू काम खत्म कर। सामने से जब पॉजिटिव रिस्पांस को जैसे दिखते हैं, तो दूसरे लक्षण भी सामने आते हैं, जैसे बार बार मोबाइल चेक करना, हाई टाइप करके डबल टिक के ब्लू होने का इंतजार करना, उसके व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक देखना और उसको गैलरी में सेव करना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए इश्क के जहर ने फैलना शुरू कर दिया है। लेकिन हालात हर बार वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते। शम्मी सुनना, तू ऑनसाइट जा रहा है क्या? इसी वीकेंड जाना है। अरे ऐसे कैसे? रिक्वायरमेंट मैं थोड़ी ना बना दूं यार, और अपने प्रोजेक्ट में तू ही तो है जो जा सकता है। मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के फिलहाल जा नहीं सकता। स्ट्राइकर पर मुझको भरोसा नहीं है। बचा कौन? तू। और तुझसे बेहतर कौन है? अरे पर पहले बोलना था ना। देख अभी फाइनल हुआ तो बता रहा हूँ। इनफैक्ट तेरे वहां जाने से हो सकता है अदा की नजर में तेरी वैल्यू बढ़ जाए और वो तुझे बेहतरीन मानने लगे। लेकिन परसों। हाँ अच्छा सुन यार, सुन ना।
फ्लाइट में है ना, कंबल देंगे, हेडफोन मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उनको वापस मत देके आना, सब बटोर के लाना और चॉकलेट मिलेंगे ना, वो जेब में भर लेना, समझा ना। ये इस वीकेंड ऑन साइड जा रहा है। अरे गुड डिसीजन, कांग्रेट्स मेरे भाई, तू ही डिजर्व करता है ऑन साइड जाना। तो टेंशन मत ले, टाइम कम है ना, तेरी पैकिंग मैं करूंगा, तुझे एयरपोर्ट छोड़ने मैं जाऊंगा, तेरा पूरा सामान मैं उठाऊंगा। मुझे पता भी नहीं चला कब ट्रैवल टीम से टिकट लेते लेते मेरा प्लेन टेक ऑफ कर गया। लेकिन उधर स्ट्राइकर की चांदी हो गई थी, क्योंकि अब इस जंगल में एक ही शेर बचा था। उनको पता ही नहीं क्या, गेट पे जाके बोलो प्रमोद कौन है करके, उनका यू छोड़ेगा अंदर यू। ये कौन सा मीटिंग चल रहा है? शिट यार, सीएसआर यार, जाओ ऐसे तुम। और वहीं दूसरी तरफ हमारी और हमारे प्रोजेक्ट की हालत खराब थी। जे मैं वो रिपोर्ट सबमिट करता हूँ। हाँ ठीक है, तू क्लोजर एक्टिविटी खत्म कर और एक बार क्लाइंट से बात कर ले, ठीक है? हाँ मैं बात करता हूँ, बात करने एक मेल डालता हूँ। ओके। और सुना, अदा से बात होती है या नहीं? कोई है तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये पक्का अकेला है ना? हाँ हाँ बोलो। क्या क्लासिक जगह बॉस, एकदम इंग्लिश मीडियम। मैं कल टाइम स्क्वायर गया था, इतनी लाइट्स, इतना डेकोरेशन, मुस्कुराते लोग, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। अरे मेरी खुशी उस भिखारी की तरह थी जिसको 1000 का नोट दे दिया। लेकिन एक बात बताऊं तुझे दिल से, ये टाइम स्क्वायर, ये लाइटिंग सब फेल है। जब अदा पलट कर मुस्कुरा के पल के झपकाती, मैं अभी तक वो सीन नहीं भूल। आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर। परसों मौसम से बात हुई। अदा ना हर थोड़ी थोड़ी देर में तेरी बात करती है। If I'm not wrong, she is missing you. ओ हीरो, वो सब तो ठीक है। विवाह सिटी डांस की प्रैक्टिस शुरू हो रही है अगले वीक, और वो स्मार्ट लड़का उसका पार्टनर है। कौन स्मार्ट लड़का? वो महावीर। मैं तुम्हारे साथ अभी डांस नहीं कर सकता। लास्ट मोमेंट में मैं किसी को ढूंढूं? मैंने ढूंढ लिया है रिप्लेसमेंट। कौन? हो रहा है अब मुझको ना उकसाओ, मरना है तो भिड़ जाओ। तो इतनी जल्दी ऑन साइड से कैसे आ गया? रिक्वायरमेंट खत्म हो गई थी। अभी सुन, तू भाई है इसके लिए समझा रहा हूँ, अता के साथ डांस मत कर, क्योंकि वो मैं तू जूजू मत बन, जा दी तेरे लिए कुर्बानी। चल अभी मैं चलता हूँ। Please kill me. तू बोलते नहीं? I knew you were coming. अरे इससे गिफ्ट लाया हूँ। क्या? हिट हुआ? बात मैडम, पहली शर्ट बहुत जल्दी आ गई है। सीना स्थान अदर राजा के पास। वेट अ मिनट, हर लम्हा हर मंजर लगे हसीन है, हर लम्हा हर मंजर लगे हसीन है, ए इश्क तेरे जलवे भी अजीब। ओ भाई बोला था ना तुझे, बोला था ना पागलपन मत कर। क्या हुआ? कैलिब्रेशन मीटिंग हुआ तेरा,
रेटिंग सुनेगा ना दिमाग फट जाएगा। इंक्रीमेंट तो बेटा सोचना भी मत देता है। अभी क्या? अभी तू सोच। जहां कुछ अच्छा हो रहा होता है वहां अचानक से टाइम पलटी मार जाता है। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अदा के दिल में क्या है वो भी नहीं जानता था। मुझे बस एक मौका चाहिए था उससे अकेले में मिलने का। कल या परसों तू बोले तो मैं उधर हाँ बोलूं। बोल। हाँ बोल। टाइम आ गया पता करने का क्या अदा को कॉल कर सकते कैसे यार सर उसका इंटरव्यू शेड्यूल करना। हाँ मौसम कल छुट्टी पे परसों आएगी डायरेक्टली पूछ लेता है ना जी मेरी हालत मालूम है मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ परसों। अच्छा वो पक्का सिलेक्ट तो होगा ना। ठीक है सिंपल है एक प्लान है अपने पास। मौसम अदा को लेके एक मीटिंग रूम में जाएगी। वो हम दोनों को कॉन्फ्रेंस पे रखेगी और डायरेक्टली पूछ लेगी उससे। तुझे टाइगर और स्ट्राइकर में से कौन पसंद है? You know what I mean, right? Yes, I know what you mean. देख, स्ट्राइकर, he's a good friend, yeah. He's very helpful. He's just like my brother. Okay. Tiger. Well, frankly, I like him. दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। मन कर रहा है भाग के सीधा जाऊं उसके पास। मैं इंटरव्यू में बैठा हूं लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या सवाल पूछ रहे हैं और मैं क्या जवाब दे रहा हूं। कह रहे कि मुझे सिर्फ उसकी बातें याद आ रही। तो तुम्हें एक्टिंग करनी बहुत आती है ना? चल लड़की की एक्टिंग करके बताओ। Shami, you mentioned regression testing prominently in a number of your projects. Can you tell me a little bit about that? So, regression testing is to verify whether any unchanged component has difference because of changed component. Can you give me some examples? So, like, example would be, कहीं आपने किसी और का दिल छोड़ने के चक्कर में हमारा दिल तो नहीं तोड़ती। Show me any questions? No. My team will get back to you. Thank you. Thanks.
इकलौता मेरा दिल था, बोला बाला सिंपल था, तुझसे मैं टकराया, सर फिरा हो गया, मुझे प्यार लगा जो तुझे लगा भाई चारा, अरमान तो जागे मैं मगर सो गया। अरे मैं तो डांस के लिए चेंज करने गया हूँ। चलिए देखो थैंक्स। हेलो, अरे किधर है तुम लोग? हाँ बोर्डरूम में। अच्छा अच्छा आ रहा, ओके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। क्या? प्रपोजल तेरा नहीं, मेरा एक्सेप्ट हुआ। मतलब? देख, डे वन से दिख रहा था तूने मुझे कभी भी अदा के पास जाने नहीं दिया, हमेशा टोका। लेकिन इस चक्कर में मेरी दोस्ती मौसम से गया और मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने CSR भी उसी के लिए जाना। एक दिन मौका देख के मैंने उसे प्रपोज कर दिया एंड शी सेड यस। तो भाई सेट कर रहे हैं, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। अरे यार तुझे अदा अभी भी नहीं मिली। ए तू बहुत नेगेटिव है। अबे नहीं मिलेगी क्या? मिल गई। नहीं मिली क्योंकि सालो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तूने कभी उससे बात भी की है? अरे हमारा पुराना कंपनी से है रे। वो अदा मेरी पुरानी कंपनी में थी। अब तो तू बोलेगा तूने उससे रेफर भी किया? अरे तो ये नया फोन मैंने उसी के रेफरल से तो खरीदा। अरे नया फोन 30,000? ये मैं क्या सुन रही हूँ? इसको समझाया था कि उस लड़की के पीछे टाइम बर्बाद मत कर, पर पता नहीं इसके दिमाग में क्या चालू रहता है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, और वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो शायद पहले से कमिटेड हो। पर कुछ तो है ना, अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट भी रखते हैं। अदा उस दिन तेरे साथ कॉफी पीने नहीं आई थी, हमारा झगड़ा हुआ था, वो मुझे मनाने आई थी। आज कॉफी नहीं पी ना? अरे अपनी चांस छोड़कर इसको ऑन साइट भेजा, पनौती उधर से भी वापस आ गया। I knew you were coming. वो माफी अदा को तंग ना करे इसलिए मैंने इसको हिंट दी। नरसिंह MMG संभालो, नरसिंह MMG संभालो। अरे इसको दूसरी कंपनी में डायरेक्ट एंट्री दिलाई, पूछ क्या करके आया उधर से। हेलो मौसम। हाँ टाइगर। अरे उसने आई लाइक हिम बोला था ना? तुम लोगों ने इतना ही सुना क्या और उसके बाद फोन कर दिया? I like him, nice, but I'm committed to Jay. Oh, and I really love him. Are you serious? Yes. आखिर में लड़की उसे मिली जिसे वो चाहती थी। अरे भाई कुछ और तो बता दे। देख, actually है ना, मैं इतना romantic नहीं हूँ। तो जो भी अदा के लिए फील करके मुझे बताता था मैं वो अपनी तरफ से अदा को बता दूँ। अभी भी यकीन नहीं आता कि ये सच है। पूछना चाहता हूं लेकिन क्या पूछूं? अभी भी फोन बजता है तो लगता है कि उसने कॉल किया, मैसेज आता है तो लगता है उसका मैसेज है। तीन हफ्ते हो गए इस बात को, दर्द कम हुआ लेकिन हल्का सा। एक बार धड़का था दिल, अब फिर से नहीं धड़के गए किसी के लिए। Are you not dancing with Ada? उसकी हाइट लंबी है। Oh, will you be my dancing partner? अरे मैं तो पागल हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ, मेरी मत सुनो। अरे सीने में दिल है तो धड़केगा। आपका नाम? जानकार। तू बोलते नहीं? हाँ वैसे
आपके शू लेसेस खुले हैं। जो गिर के संभलना नहीं जानते ना, वो जूतों की लेस बांधते। वैसे तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? रणबीर कपूर। तो कौड़ी का एक्टर है।